Hello, my tiny tots. Welcome to Deepal Kindergarten Rowdy Factory. Today, I'll be teaching you subject English. Letter S. So, आज हम क्या पढ़ेंगे? Subject English और alphabet S. For that, take out your ample alphabet book, page number 27. तो हम क्या करेंगे? हम हमारी English की ample alphabet book निकालेंगे. पेज नंबर 27. पेज नंबर 27 पे क्या है? लेटर एस. क्या है? लेटर एस. तो अब हमारी बुक में क्या है? सो यू नीड टू सी इन योर बुक्स एज वेल. एस फॉर सन. एस फॉर सन. एस फॉर शिप. एस फॉर शिप. एस फॉर स्नेल. एस फॉर स्नेल. सो माय डियर चिल्ड्रंस, अब आपको मैंने ये तो बता दिया है कि आपके बुक में क्या क्या है. व्हाट आर दिस नेम्स? एस फॉर सन, एस फॉर शिप, एस फॉर स्नेल. पर ये सब चीजें है क्या और ये कैसे, मतलब किस वे में यूज होती है या किस चीज ये क्या होती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए. आप लोगों को वर्ड्स तो पता लग गए है, बट अब ये करते क्या है? सो नाउ लेट अस सी. ये क्या है? एस फॉर शिप. Now what is ship? Ship is a big kind of boat which is used for carrying transports, heavy loads, and we can go from one place to another in ships as well. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? Ships में according to size, weight, मतलब ship छोटी है बड़ी है उसके हिसाब से वो transportation के लिए भी use होती है और हम ships में घूमने भी जा सकते हैं. थ्रू वॉटरवेज, समुद्रों के बीच में हम ships की वजह से उसमें घूम सकते हैं. सो दिस इज एस फॉर शिप. नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस. एस फॉर सन. एस फॉर सन. अभी सन तो सबको पता है, सूरज. ये रोज सुबह आता है, मतलब सुबह मॉर्निंग में सनराइज होता है और इवनिंग सनसेट होता है. अब हम सुबह जल्दी उठे चाहे ना उठे, सन अपने अपने टाइम पे, सूरज अपने अपने टाइम पे आ जाता है. सो दिस इज एस फॉर सन. नाउ व्हाट इज दिस. एस फॉर स्नेल. नाउ व्हाट इज स्नेल. नाउ व्हाट यू सी दिस राउंड, इट इज अ सॉलिड शेल. ये उसके बॉडी के ऊपर एक कड़क सा शेल रहता है स्नेल की बॉडी के ऊपर. And it is found all over the world. ये सब जगह देखने मिलते हैं, like under the mud, sand, on the trees, on the leaves, on the floors, means on the on the floors. ये सब जगह देखने मिलता है. कहाँ पे कहाँ पे? ये मट्टी के अंदर होते हैं, ये झाड़ों पे होते हैं, ये उनके पत्तों पे, leaves पे होते हैं. ये हमें बहुत सी जगह पे all over the world दिखाई देते हैं. So my dear children, have you understood? This is S for ship, S for ship, S for sun, and S for snail. Now let us see how to write alphabet S. हम alphabet S मतलब capital S और small S लिखेंगे कैसे? अब सारे जो भी words रहते हैं, जो भी alphabets हमने सीखे हैं, कभी कभी capital alphabet और small alphabet अलग अलग तरीके से लिखा रहता है. बट एस, दोनों एस हम एक जैसे, ये बस ऐसा है कि हमको कैपिटल एस फर्स्ट थ्री लाइंस में लिखना है और स्मॉल एस मिडिल टू लाइंस में लिखना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. अब हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर्व, फर्स्ट और सेकेंड लाइन में फॉरवर्ड कर्व और उसी को टर्न करके सेकेंड से थर्ड लाइन में बैकवर्ड कर्व. ये हो गया कैपिटल एस. एंड सेम थिंग मिडिल टू लाइंस में छोटा सा फॉरवर्ड कर्व और उसी को टर्न करके बैकवर्ड कर्व. ये हो गया स्मॉल एस. हम लेट अस सी वंस अगेन. हम क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन में फॉरवर्ड कर्व और सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन में हम करेंगे बैकवर्ड कर्व. ये हो गया कैपिटल एस. और स्मॉल एस हम सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में, दैट इज इन बिटवीन मिडिल टू लाइंस, हम एक छोटा सा फॉरवर्ड कर्व और फिर उसको ही बैकवर्ड कर्व. ये हो गया स्मॉल एस. सो माय टाइनी डॉट्स, हैव यू अंडरस्टूड?
about letter S and how to write capital and small letter. Capital S, small s. Capital S, small s. So now, what is the homework for you today? आज आपका होमवर्क क्या है? आपको कैपिटल एस और स्मॉल एस आपकी इंग्लिश की नोटबुक में, फोर लाइन नोटबुक में लिखना है. बाय बाय.